Welcome back to my channel. I'm Smriti. First of all, I would like to talk about a video which I posted on my channel. तो ये पहला वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे डाला है विच इज़ रिलेटेड टू डे इन ए लाइफ ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड टू मेक इट क्रॉस 5.6K व्यूज. इस वाले वीडियो पे मुझे कमेंट्स आए हुए हैं कि कुड यू मेक अ न्यू वीडियो अबाउट द वर्क लाइफ ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर, और लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती हूँ डे टू डे बेसिस पे, मेरा वर्क क्या है यहाँ पे. सो जस्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ आई एंटर्ड इन टू द क्लाउड रोल और टू द डेवऑप्स रोल. So I was working with Torii Harris Integration Solutions earlier, and I worked there for 2 years. And recently, in October, I have joined Juniper Networks as a DevOps engineer. उसके पहले मैं Torii Harris में as an operations analyst work कर रही थी, which was a support role, but it was a cloud role. So from there, I got this interest of learning few of the tools which are related to DevOps, and that's how I entered here. तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है अभी उस हिसाब से मैं शेयर करूंगी कि मैंने डेवॉप्स रोल में अब तक क्या क्या किया है, कौन कौन से टूल्स पे काम कर रही हूँ और डे टू डे टास्क क्या क्या रहते हैं. सो यस, स्टे ट्यून्ड और वॉच द वीडियो. मोस्टली गो टू ऑफिस ऑन ट्यूजडेज एंड थर्सडेज. तो मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, बट आई मोस्टली वेक अप अराउंड 8:30 to 10, और फ्रेश होने के बाद जो सबसे पहला मैं काम करती हूँ वो होता है चेकिंग माई मेल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेल्स चेक करने से मुझे पता चल जाता है कि जो भी जीराज एज इन टास्क जो भी मुझे असाइंड हुए हैं, कोई न्यू है या फिर कोई अपडेट है मेरे पुराने वाले टास्क में, या फिर किसी का कमेंट आया हुआ है, तो उससे मैं अपडेटेड हो जाती हूँ पूरा का पूरा मेल्स के गो थ्रू करने के बाद. एंड जो सेकेंड चीज़ होता है वो होता है चेकिंग माई कैलेंडर. तो कैलेंडर चेक करने पे मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन से मीटिंग्स असाइंड है मुझे. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों का वीकली स्टैंडअप और सिंकअप कॉल्स होता है. तो वीकली स्टैंडअप या सिंकअप कॉल्स में हम लोग करते क्या है कि जो भी टास्क है, जो भी प्रोजेक्ट पे या जो भी जीरास फॉर एग्जाम्पल पे काम कर रहे हो तुम, तो वो चीज़ हमें उस मीटिंग में अपडेट देना रहता है कि वॉट इज द इम्प्रूवमेंट दैट वी हैव डन टिल नाउ, और उस पर कोई सजेशंस है या और भी लोगों का कुछ रिकमेंडेशन है जो कि मे बी हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में या फिर जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें. तो यस, दैट वी डू. और उससे क्या होता है कि और भी बाकी के टीम मेंबर्स अपडेटेड हो जाते हैं कि ओके, दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दिस थिंग. तो या अपडेशन के लिए मोस्टली किसी किसी दिन 2-3 मीटिंग्स होते हैं, किसी किसी दिन कोई मीटिंग भी नहीं होता है. तो या दैट गोज लाइक दैट. इसके अलावा हमारे होते हैं पुश मीटिंग्स. तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं जिसमें कि हम लोग जब पुश करते हैं तो उसके लिए मीटिंग्स होती हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है. तो मोस्टली पुशेस में क्या होता है कि जनरली वी रिलीज द न्यू कोड्स और न्यू फीचर्स, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है, तो वो मोस्टली इंक्लूडेड होता है इन द पुश प्रोसेस जो कि चलता है कुछ घंटों तक. और इसके अलावा जो कोई कॉल्स होते हैं वो हो सकते हैं ये कि अगर मान लो मैं किसी टास्क पे वर्क कर रही हूँ तो उस पर मुझे अगर किसी सीनियर पर्सन का हेल्प चाहिए, तो मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शेड्यूल करती हूँ कॉल और फिर कॉल पे आके हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर मुझे हेल्प मिल जाती है. तो दैट इज़ अनदर थिंग. तो वो भी आई मीन इन वन वे और दी अदर मीटिंग्स में ही आता है. उसके बाद जो मैं नेक्स्ट काम करती हूँ वो होता है मेरा स्लैक और टीम्स मैसेज चेक करना, क्योंकि कभी कभी आपने मैसेज किया हुआ होता है और चेक करना होता है ऑब्वियसली कि रिप्लाई आया नहीं आया, और रिप्लाई आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चेज करना. फॉर एग्जाम्पल, तुमको अगर किसी केस में अपना एक पीआर तुमने रेज किया है और तुमको एक किसी स्पेसिफिक पर्सन से अप्रूवल चाहिए था, तो तुमने उसको पिंग किया हुआ हो, फर्स्टली तो गिटहब का पीआर अगर अप्रूव हो जाता है तो मेल्स में ऑब्वियसली दिख जाता है, जो कि मैं फर्स्ट में ही चेक कर चुकी होती हूँ.
अगर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि उस पीआर में है तो पीआर में भी लोग कमेंट करते हैं, या फिर कोई 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 पर्सनली टीम्स पे या स्लैक पे कमेंट करते हैं कि इसमें ये चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो अगेन वो चेंजेस जाके करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि स्लैक मैसेज और ये सब पहले ही देख लो। और हमारे पास स्लैक पे कुछ कुछ चैनल्स हैं जिसपे कि ऑल टुगेदर बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कुछ ट्रबल शूट कर रहे हो आप और कुछ एरर आ रहा है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि वो एरर पोस्ट करते हैं उस चैनल पे, और देन मोस्ट ऑफ द पीपल हेल्प एट दैट वेरी टाइम। वो बताते हैं कि क्या एरर है, क्यों, कैसे सॉल्व हो सकता है। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्लैक। मोस्टली वी डू लाइक ग्रुप डिस्कशन टाइप का चीज होता है ना, वैसा टाइप का स्लैक में हो जाता है कि आप थ्रेड में रिप्लाई कर रहे हैं लोग कि ये करो ये करो ये करो। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई स्टार्ट माई रियल वर्क। रियल वर्क एज इन जिस भी टास्क पे मैं काम कर रही थी वो पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करना, जीरा को क्लोज करना और उसका आउटपुट चेक करना, सब कुछ आता क्या क्या टास्क में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लस्टर्स हैं जिसमें कि एप्लीकेशन जो है हमारा बोर्ड पे रन कर रहा है, तो मैं उस एप्लीकेशन के मेट्रिक्स को प्रोमीथियस में एक्सपोज कराना चाहती हूँ किसी पोर्ट पे, या फिर उस मैट्रिक्स को एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में ग्रफाना में दिखाना चाहती हूँ, तो वो एक टास्क होता है जिसमें कि हमें मैनिफेस्ट फाइल्स बनाना होता है, डिप्लॉयमेंट सर्विस, सर्विस मॉनिटर, प्रोमीथियस अमल, या फिर स्क्रेप कॉन्फिग फाइल बनाना होता है, वो सब चीज़ें आती है इसमें। नेक्स्ट जो होता है डेटाबेस मेंटेनेंस होता है बहुत टाइम पे। फॉर एग्जांपल AWS RDS में हमारे पास बहुत सारा शेड्यूल चेंजेस आता रहता है, तो उसको मेंटेन करना और कुछ अपग्रेड रिक्वायर्ड है तो वो परफॉर्म करना, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो वो परफॉर्म करना। कभी कभी क्या होता है कि Ansible, Jenkins या Bash या Python स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होता है किसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहते हो कि आपका जो शेड्यूल चेंजेस है AWS में वो फेच हो जाए और उसके लिए जीरा क्रिएट हो जाए जिस जो कि आप किसी को असाइन कर सकते हो, या फिर वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, तो इस हिसाब से हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना होता है जो कि पाइथन में लिख सकते हैं, बैश से लिख सकते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग Jenkins का पाइपलाइन बना सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि हमें कुछ प्लेबुक लिखना पड़ सकता है, Ansible प्लेबुक जो कि एक ही चेंजेस हर एक सर्वर पे डिप्लॉय कराना चाहते हैं, तो उसके लिए Ansible प्लेबुक लिखना होता है। और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस बीच जितना भी ट्रबल शूटिंग करना होता है उसमें बहुत सारा ज़्यादा टाइम जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पॉड है जिसमें एरर आ गया, फॉर एग्जांपल क्रैश लूप बैक ऑफ एरर, या फिर इमेज पुल बैक ऑफ एरर आता है, उसके लिए कभी कभी होता है कि हमें या तो इमेज चेंज करना होता है, या फिर कोई वर्जन चेंज रिक्वायर्ड होता है, या फिर कुछ रेप्लिकास का इशू होता है, तो सर्कल CI टूल का यूज किया जाता है। सर्कल CI होता है वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कल CI से ही हमारा जो डॉकर इमेज है वो बिल्ड होता है एक डॉकर फाइल के थ्रू, उसके बाद वो बिल्ड होने के बाद उसको टैग किया जाता है एक वर्जन नंबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक वर्जन 1, 2, 3 व्हाटएवर इट इज, जो कि स्टेबल होता है और एक सीक्वेंस में होता है जिससे कि पता चलता है कि अपग्रेड क्या कौन सा वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 पे गए वैसा टाइप। उसके बाद वो टैग होने के बाद उसको पुश किया जाता है ECR में, तो ECR इज लाइक अ रिपोजिटरी जो कि AWS का सर्विस है। ECR पे जितने भी डॉकर इमेजेस हैं वो स्टोर रहते हैं। एक बार जब डॉकर इमेज पुश हो गया ECR में तो वहां से फिर हम लोग उस डॉकर इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय एज इन हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइल बनाते हैं उसके लिए और इमेज ID अच्छे से मेंशन करते हैं उसमें, जिससे कि वो वाला इमेज पर्टिकुलरली कैप्चर होता है, उसके बाद वो एक पॉड पे चला जाता है। कभी पॉड्स जो होता है उसमें एरर आता है, फॉर एग्जांपल OM किल्ड एरर होता है जिसके लिए हमें लॉग्स चेक करना होता है क्या एरर है, उसको ट्रबल शूट करके पॉड्स को रनिंग स्टेट में लाना होता है। नॉर्मल टास्क भी होते हैं, फॉर एग्जांपल रेप्लिकास इंक्रीज करना, या फिर मेमोरी चेक करना, या फिर मेमोरी इंक्रीज करना। ऑल्सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे कि कौन कौन सा टूल्स अभी आप अपने DevOps रोल में यूज़ कर रहे हो, तो टूल्स में मैं यूज़ कर रही हूँ GitHub हो गया, अगेन अभी मैंने जैसे बताया Jenkins हो गया, Ansible हो गया, और Python Bash हो गया, Bash तो बहुत नीडेड है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं Kubernetes, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। उसके बाद आता है Prometheus और Prometheus एंड Grafana, वो जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट है उसके लिए। ऑल्सो आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन Terraform रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो Terraform में कभी कभी टास्क आता है, कुछ कोड चेंजेस करना होता है, या फिर स्क्रैच से कुछ बनाना होता है। ऑल्सो देयर इज वन थिंग, यहाँ पे ऑन कॉल भी होता है। ऑन कॉल में क्या होता है, शिफ्ट वाइज होता है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है वो होता है 6 से 2 बजे तक, और जो आफ्टरनून शिफ्ट होता है वो होता है 2 से 2 PM to 10 PM। तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि हम लोग को जो पेजर ड्यूटी, जो कि इंसिडेंट्स और अलर्ट्स हैंडल करने के लिए जो टूल है, तो मोस्टली उस पे जो अलर्ट्स आते रहते हैं, अलर्ट्स
रिलेटेड टू कि पॉड फ्रीक्वेंटली रीस्टार्ट, या फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन क्रॉसिंग अ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन थ्रेश होल्ड, या फिर सीपीयू यूसेज के को लेके, या फिर पॉड में कोई एरर है उसको लेके, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं जो कि हर एक इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल स्टेजिंग या प्रोडक्शन, वैसे टाइप के रिलेटेड अलर्ट्स और इंसिडेंट्स आते हैं जिसको एक्नॉलेज करना होता है, उन पर वर्क करना होता है. ऑन कॉल वाला जो शेड्यूल है उसमें फोकस होता है इसी चीज़ पे कि जो इंसिडेंट्स है उनको एज सुन एज पॉसिबल हैंडल करना, उनको एक्नॉलेज करना, उन पे वर्क करके उनको क्लोज करना. कभी कभी जो टास्क होते हैं वो माइग्रेशन टास्क भी होते हैं. माइग्रेशन एज इन जो भी हमारा सर्विसेज मॉनिटर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल एफेक्ट्स में जो कि ऑलरेडी एक मॉनिटरिंग टूल है, तो सिग्नल एफेक्ट्स का माइग्रेशन फॉर एग्जाम्पल हम लोग कराना चाह रहे हैं ग्रफाना में, जो कि एक ओपन सोर्स टूल है अगेन. और ग्रफाना में बहुत सारा एडवांटेजेस है सिग्नल एफेक्ट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रफाना जो है उसमें एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेज लाइक प्रोमीथियस और लोकी, इन सबको सपोर्ट करता है. तो जिसका यूज़ करके हम लोग ग्रफाना में उन सारे डैशबोर्ड और सर्विसेज को विजुअलाइज कर सकते हैं. ओके, तो अभी के लिए आई कैन ओनली रिमेंबर ऑफ दीज थिंग्स. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हुए हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे. बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इतना कुछ कैसे, इतना कुछ कैसे. इट्स नॉट लाइक इतना कुछ कैसे सीख गए हो, नोबडी नोज एवरीथिंग, ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है, और मुझे भी हर कुछ बहुत ही ऊपर लेवल तक नहीं आता है, ठीक है, कि आई विल डू दिस एक सेकेंड में मैं कर ही लूंगी. नहीं, आई डू ट्रबल शूट, आई लर्न, आई मोस्टली लाइक ऑन अ डे टू डे बेसिस आई यूज गूगल, आई यूज चैट जीपीटी, आई कीप लर्निंग, आई कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ विद द नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रफाना नहीं आता है, ठीक है. सो इफ आई हैव बीन गिवन अ टास्क ऑन ग्रफाना दैट आई नीड टू बिल्ड अ डैशबोर्ड विद सम पैनल्स हैविंग सम विजुअलाइजेशंस, तो उसके लिए मैं मान लो प्रॉम्प्ट क्वेरीज में बिल्कुल भी बिगिनर हूँ, ठीक है. दैट्स नॉट अ बिग डील, आप सीख सकते हो यार. तो मैं वैसे ही करती हूँ, मैं डे टू डे बेसिस पे सीख रही होती हूँ, मैं इधर उधर सर्च कर रही होती हूँ, हिट एंड ट्रायल कर रही होती हूँ, देन दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो आप टास्क के हिसाब से, प्रायोरिटीज के हिसाब से उस पर्टिकुलर टूल या उस पर्टिकुलर टास्क में जब डिग करते हो तो आपको पता चलता है कि ओके, इसमें ये सब भी सारी चीज़ें थी. तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो डे टू डे आई विल जस्ट से दैट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, कीप अपस्किलिंग, ठीक है, यही एक चीज मैं बोल सकती हूँ अभी के लिए. करना चाहूंगी वो ये कि अपने कंपनी में, या फिर अगर तुम सीख रहे हो अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड्स से, हेजिटेट मत करो पूछने में, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक एरर को सॉल्व करने में 2-3 दिन तुम लगा देते हो, और तुम सोचते हो अरे कैसे पूछेंगे, मे बी ये डम क्वेश्चन है. नो, नथिंग इज डम, मे बी इट्स डमनेस फॉर यू, इट विल नॉट बी डमनेस फॉर अदर पर्सन, अदर पर्सन को उतना भी नहीं आ रहा होता हो. सो आई वुड से डोंट बी हेजिटेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस पूछोगे, जब तुम ट्रबल शूट करने की कोशिश करोगे खुद से भी, पूछ के भी,
देन ओनली यू विल लर्न. तो बस इतना ही था, बट थैंक यू सो मच कॉमेंट्स करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस डेवऑप्स रिलेटेड वीडियो में. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज ऑफ माइंड इफ यू आर इंटरेस्टेड. डू कॉमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.